गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड ऑल्सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज हम आए हुए हैं तीसरगढ़, जहां पर काफ़ी बड़ा मज़ार है। आप जानते होंगे ये वेस्ट बंगाल में है और ये शेर सभा का मज़ार है। और आज मेरे पीछे देख सकते हो ये दामोदर नदी, और हम यहां पर चादर चढ़ाने के लिए आए हैं और यहाँ मेला भी लगा हुआ है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो कि मेरे पीछे पूरा टेंट वेंट लगा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ है। पर रात के टाइम पर मेला खुला रहता है, अभी सारे लोग सोए हुए हैं मेले वाले। और ये आप देख सकते हैं गाइस, अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और इधर से मैं वाइड एंगल से ले रहा हूँ पूरे वीडियो को, ताकि पूरा मतलब फुल आप देख सको अगल बगल का नज़ारा। सामने मज़ार है और उधर वज़ू खाना है। हम लोगों ने वज़ू बना लिया है गाइस, और बाकी सब वज़ू बना रहे हैं। हम लोगों की पूरी फैमिली आई है गाइस आज यहाँ पर इस मज़ार पर चादर वादर चढ़ाने के लिए। तो अभी हम लोग अंदर जाएँगे और ये आप देख सकते हो यहाँ से नदी पूरा दिख रहा है। ये साइड का व्यू है, मैं अभी मज़ार के अंदर नहीं गया। यहाँ टंकी वगैरह रखी हुई है और यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी औसम मतलब मज़ार है, यहाँ पर वेदर भी अच्छा है आज गाइस। अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं और ये सीढ़ियाँ हैं मज़ार की। मज़ार के अंदर अभी मैं जा रहा हूँ, ये कारपेट वगैरह है यहाँ से, और सामने आप देख सकते हो कि वहाँ मज़ार है। और ये सीढ़ी चढ़ लिया मैंने, पूरा अभी इसे सजाया गया है क्योंकि यहाँ पर अभी क्या बोलते हैं मेला लगा हुआ है। अंदर से भी काफ़ी आज क्लीन है, ऐसे तो हमेशा ही क्लीन रहता है और ज़्यादा भीड़ नहीं रहती बेसिकली आज, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब सन्नाटा लग रहा है। रात के टाइम यहाँ पर भीड़ होगी क्योंकि मेला वगैरह तो रात ही में लगती है। उधर आप देख सकते हो फातिया वगैरह के लिए, और ये है अंदर जाने का रास्ता। इधर से उधर से आप सीन देख सकते हो, बालकनी टाइप का बनाया हुआ है उस साइड से, तो हम लोग उस तरफ भी चलेंगे। और ये भी छोटे छोटे मज़ार हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे मतलब कब्रिस्तान है पीछे और यहाँ काफ़ी सारे मज़ार भी हैं। आगे भी है बहुत सारा मज़ार, आपने देखा होगा, मैं आपको बताना भूल गया, उस तरफ आप देख सकते हो। और ये जन्नत, और आप देख सकते हैं कि ये है बालकनी का सीन, उधर से पूरा जंगल है और उस तरफ नदी है, और नदी के उस तरफ भी एक मज़ार है। और ये हम अभी अंदर जाने वाले हैं, बस अब हम अंदर ही जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ। और बस मैं अंदर जाने वाला हूँ, अंदर परी भी है आप देख सकते हैं परी, और मैं अंदर आ चुका हूँ। और अंदर का आप सीन देख सकते हैं गाइस, काफ़ी ऑसम सीन है ये आप देख सकते हैं। इसे फूलों से सजाया गया है और चादर तो काफ़ी ज़्यादा चादर है गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे चादरों को हटाया भी जा रहा है। और ऊपर आप देख सकते हो ये गुंबद में काफ़ी अच्छे तरीके से कलमा और बाकी सारी चीज़ों को लिखा गया है। झूमर भी है, गुंबद है ये, काफ़ी अच्छा अंदर का सीन है गाइस मज़ार का। और गाइस अभी हम लोग वहाँ से मतलब बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से आपको मैं नदी दिखा रहा हूँ, ये उस तरफ चल जाती है शायद। ये दामोदर नदी है गाइस, जो कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी से बह के इधर आती है। और ये आप देख सकते हैं ये अंदर का सीन है, मैं बालकनी से दिखा रहा था मैं आपको अभी गाइस। और ये अंदर का सीन है आप देख सकते हैं, मैं बाहर निकलने वाला हूँ। और अभी गाइस मैं बाहर निकल चुका हूँ, और बाहर तो कब का निकल गया, अभी मैं कैमरा को ऑन कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं गाइस कि मैं नदी की ओर बढ़ रहा हूँ, और नदी का रूट मुझे पता है किधर से, क्योंकि मैं आ चुका हूँ 2-3 बार आ चुका हूँ। और यहाँ पर गाइस काफ़ी ज़्यादा ढलान है, तो मुझे दौड़ कर आना पड़ा, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था। और इधर काफ़ी सारे खजूर के पेड़ भी हैं, ऊपर मज़ार है क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, और इधर पूरा जंगल है गाइस, मतलब मज़ार जो है ना नीचे है और उसे ऊपर बनाया गया ऊपर करके। और मैं अभी वहाँ नदी की ओर जा रहा हूँ, जिस रूट से मैं जाता था हर बार वहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, वहाँ सब नहा रहे हैं जो भी आदमी आए हुए हैं यहाँ मज़ार में मेले में, तो मैं पिछले वाले रास्ते से जा रहा हूँ। बस सब हम लोग पहुँचने वाले हैं, ये भी एक क्या मज़ार टाइप का है छोटा सा, अब पीछे मज़ार है। और गाइस आप ये देख सकते हैं कि इधर पूरा जंगल का एरिया है और सामने ही नदी है दामोदर नदी, जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ठंडा पानी है गाइस। पर मैं नहाऊंगा नहीं क्योंकि मैं कुछ वैसा तैयारी नहीं लेके आया, वेदर भी काफ़ी क्लियर है आज। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जन्नत पहले वहाँ जा चुकी है और वह जिद कर रही है कि उसे मतलब कि मज़ार से आने के बाद अब उसे बोट में घूमना है। अब देखिए क्या होता है गाइस, क्योंकि बोट जो चलाते हैं वो मुझे मिल नहीं रहे हैं।
ये देख सकते हो गाइस, आप जन्नत इसमें बैठ चुकी है पर यहाँ कोई नहीं है जो बोट को इसे चलाए। लग रहा खाना खाने के लिए गए हैं क्योंकि अभी 2 या 3 बन चुका है। और इधर काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो जंगल का एरिया है और ये पानी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है इस तरफ का। उस तरफ का जो पानी है गाइस वो बिल्कुल ही साफ़ है, वहाँ सब नहाते भी है। और गाइस अभी हम लोग दिसलगढ़ से मतलब कि निकल चुके हैं। मैंने काफ़ी सारा मतलब कि वीडियो बनाया पर आज पता नहीं क्या हुआ कि एक भी वीडियो मतलब कि मेरे फ़ोन में शो ही नहीं हो रहा है। और प्लस फर्स्ट में जो मैंने इंट्रो दिया उसमें वॉइस ही नहीं आ रहा, लगता माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरा, तो उसे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। अभी मैं कार में बैठा हुआ हूँ और आप देख सकते हो कि ये बाहर का सीन है। बंगाल का जो रोड है ना गाइस वो मतलब कि बेसिकली काफ़ी साफ़ रहता है और देख के मतलब कि माइंड फ्रेश हो जाता है। और अभी हम लोग उसी हाईवे पर हैं। और बस गाइस आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।